हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल अब यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो है ये होने वाली है टोटली बायनमो स्ट्रेटजी के ऊपर। आप रियल अकाउंट में बैलेंस देख पा रहे हैं $851 का, इसे हम $1000 करेंगे आज, यानी $150 का प्रॉफिट, और वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में। ये चीज़ करके दिखाने वाला हूँ आपको आज की वीडियो में, कौन सी स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे, क्या पैरामीटर्स होंगे, वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। प्लस यार एक चीज़ और बता देता हूँ कि जितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट होता है ना, उतनी ज़्यादा अच्छे से आप रिस्क मैनेज कर सकते हो, उतना ज़्यादा अच्छा आपका अकाउंट मैनेज हो सकता है। ये चीज़ आपको भी पता है, रीज़न उसके पीछे साफ साफ ये रीज़न रहता है कि यार जितना बड़ा अमाउंट होगा ना, उतना आप काफ़ी आगे स्टेप तक जा सकते हो मार्टिकल भी, और अगर आप एक दो ट्रेड हार भी जाते हो तो आप उसको कवर करने की क्षमता रखते हो। लेकिन अगर आपके पास बैलेंस कम होता है, जैसे $50 का बैलेंस अगर आप लेके चलते हो, तो आप लोग एग्री करोगे यार मेरी इस स्टेटमेंट से कि यार आप $50 से $200 ज़रूर पहुँचा देते हो अपने अकाउंट में, या $100 $150 तक पहुँचा देते हो जब आप स्टार्ट करते हो ट्रेडिंग। लेकिन जब आप 200 से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हो तो आप लॉस करके जीरो पे आ जाते हो। ये चीज हर किसी इंसान के साथ होती है जो भी ट्रेडिंग में आता है, वो बायनमो प्लेटफॉर्म की बात नहीं करते, हर एक प्लेटफॉर्म जो आप यूज करते हो ये आपके साथ जरूर होता होगा। तो उसी के बारे में बात करेंगे आज कि किस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। मेरा आज का टारगेट सिर्फ इतना ही है कि $851 को मैं $1000 करूं, इसके बाद मेरा जो आज का कोई टारगेट नहीं है। आप लोगों को भी इसी तरीके से टारगेट लेके चलना है, ठीक है? अब ये चीजें सारी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे यार, लास्ट तक देखना वीडियो, मजा जरूर आने वाला है। चलिए गाइस यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बायनमो का यार इंटरफेस आप देख पा रहे हैं, रियल अकाउंट है मेरा $851 के साथ, और इसी के में हम ट्रेड लेने वाले हैं। सबसे पहले कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं और कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूं कि क्या चीज़ें हैं जो जरूरी है। 15 सेकंड का चार्ट सेलेक्टेड है, इसको मैं एक मिनट कर लेता हूं। मैं एक मिनट की कैंडलस्टिक पैटर्न को प्रेफर करता हूं ज़्यादा, और इसके बाद आप देखेंगे ऊपर तो यहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न सेलेक्टेड है। आप इसे माउंटेन लाइन या फिर बार भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक है? अब इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की हुई है। तो मैंने सिंपली भाई कोई ज़्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ एक स्ट्रेटजी फॉलो की है, वो की है द एलिगेटर। तो यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप सारी चीज़ें जान जाएंगे। यहाँ पे मैंने कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, सारी डिफॉल्ट वैल्यू है वही है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं किया मैंने कि यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू आती है, ये सारी डेप्थ आती है, ये सारे को चेंज किया है, सब की सब सेम है। बस आपको भी अप्लाई पे क्लिक करके इंडिकेटर को अप्लाई कर देना है, दैट्स इट, इतना सा प्रोसेस है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा जो हमारा स्टेप आता है वो आता है करेंसी पेयर को चूज करना कि हम कौन सी करेंसी पेयर पे ट्रेड लें। तो यार हमेशा याद रखो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ द एलिगेटर, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ये देखिए ग्राफ जो है, अगर आपको एक पैटर्न में जाता हुआ दिख रहा है ना, मतलब अगर आपको हॉरिजेंटल में दिख रहा है, जैसे कि ये लाइन को कंसिडर कर लो, इस प्राइस एक्शन को यहाँ पे इस तक कंसिडर कर लो, इसके बीच में अगर आपको ग्राफ चलता हुआ दिख रहा है ना, तो इसका मतलब समझ लो कि ग्राफ जो है अभी स्टेबल नहीं है, मतलब यहां पे अभी ट्रेड लेना सही नहीं है। तो हम दूसरी करेंसी पे स्विच करेंगे। तो आपको ना सबसे पहले जो करेंसी स्विच करना है, करेंसी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी अभी फिलहाल के लिए ठीक नहीं है, तो यहां पे भी नहीं लेंगे हम ट्रेड। और एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड, जब भी आप ट्रेड लो ना, तो हाइएस्ट प्रॉफिट परसेंटेज पे मत जाओ, आप लोएस्ट प्रॉफिट परसेंटेज पे जाओ। जितना आपको कम प्रॉफिट मिलेगा उतनी ही कम रिस्क आपको यहां से मिलेगी। तो अब यहां पे भी बात करते हैं, तो यहाँ पे भी ठीक ठाक ग्राफ है, बट यहाँ पे प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट है काफ़ी मूवमेंट में चल रहा है। तो हम कोई दूसरी ही करेंसी सेलेक्ट करेंगे और देखते हैं क्या कोई करेंसी है जो हमारे लायक है ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि हमें $150 इंक्रीज करने हैं अपने अकाउंट में, जो कि छोटी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई चुटके में हो जाएगा, हम रिस्क लेके करेंगे, इतना भी रिस्क नहीं लेंगे हम, जो जाएंगे पूरी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे। हम जाते हैं यूएसडी सीटीएफ के साथ, जिसका प्रॉफिट परसेंटेज हमें 78 मिल रहा है, और ग्राफ भी मुझे ठीक ठाक मूवमेंट के साथ दिख रहा है, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के साथ जाना अभी फिलहाल के लिए सही रहेगा। ग्राफ जो है मुझे लगता है यार ऊपर की तरफ ही मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि अगर आप इस स्ट्रेटजी पे जाएं, पहले इस स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे ये स्ट्रेटजी वर्क करती है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना, ये जब क्रॉस करेगी रेड कलर की और ब्लू कलर की लाइन को जिस भी डायरेक्शन में, तो मार्केट पर्टिकुलर सम टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए उसी डायरेक्शन में रहने वाला है। ये देखा गया है ज़्यादातर, लेकिन ये जो कंडीशन है ये तब अप्लाई नहीं होती जब मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं होती है। मतलब मार्केट अगर अच्छा नहीं चल रहा है,
यानी आपको कैसे पता लगेगा मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है? अगर पर्टिकुलर मार्केट पे, पर्टिकुलर करेंसी पे कोई न्यूज नहीं हो, तब जाके ये अच्छे से वर्क करती है स्ट्रेटजी, अदरवाइज ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी आपकी, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने कहा था, प्रिडिक्ट किया था कि यहां से कैंडल ऊपर की तरफ जाने वाली है, उसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रही है। ये चीजें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे इन सारी चीजों के साथ ना, तो आपको अपने आप समझ आने लग जाएंगी, ग्राफ रीडिंग आपके ना दिमाग में चलने लग जाएंगी। ये एक ईसीजी होती है ना, उस तरीके से आपकी ग्राफ रीडिंग आपके दिमाग में चलने लग जाएंगी। आप जैसे ही ग्राफ को देखोगे, आप अपने आप प्रिडिक्ट करने लग जाओगे कि ग्राफ जो है किस डायरेक्शन में जाने वाला है। हालांकि इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता है, मैं पहले ही आपको स्टेटमेंट क्लियर कर देता हूँ, बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स के साथ मुश्किल बहुत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई पैटर्न को नहीं हम जज कर रहे हैं, यहाँ पे हम ना पूरे मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। और किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा ये प्रिडिक्ट करना काफ़ी हद तक मुश्किल है, ठीक है? तो फिलहाल जो अमाउंट है $50 मैंने सेलेक्ट की हुई है। टाइमिंग यार मैं 2 मिनट सेलेक्ट करूंगा, 2 मिनट के लिए यहाँ पे 32.29 है, तो मैं 32 कर देता हूँ, ठीक है? तो अब ये जो मार्केट है, आप मेरे हिसाब से ऊपर रहने वाला है, तो अब ये ऊपर ही जाएगा, तो मैं ऊपर के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा और नीचे आने देते हैं इसको, थोड़ा सा और नीचे आने देते हैं, ताकि हमारे पास चांसेस अच्छे हों ऊपर के लेने के लिए, क्योंकि यार हाँ अब हम इसे ऊपर की तरफ ले लेंगे। और यहाँ पर मैंने $50 की ट्रेड प्लेस कर दी है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो गाइज यार, अगर हम ये देखिए, ट्रेड जो है किसी भी डायरेक्शन में जाती है, डजंट मैटर। हमारा जो आज का टारगेट है वो है $1000 का, और इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आप जो है डेफिनेटली रियल अकाउंट में $1000 का बैलेंस जरूर देखने वाले हो। ये चीज़ तो फॉर श्योर आप देखने वाले हो। अब 29 मिनट्स अभी हो रखे हैं, 4:29, और जो टाइमिंग है इस ट्रेड की वो 4:32 की है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास अभी फिलहाल अभी से 2 मिनट है, और देखते हैं क्या होता है, क्या सिनेरियो रहता है। पर्टिकुलर इस कैंडल के ख़त्म होने में अभी कितना टाइम है। अब ये जो दूसरी कैंडल है ग्रीन कलर की बनना स्टार्ट हुई है, जो कि हमारे हक में ही है। मार्केट सडनली चेंज हो रहा है, बट मुझे अभी भी उम्मीद है कि अभी भी हमारी जो ट्रेड है हम विन करेंगे। अगर नहीं विन करते तो उसके लिए पहले ही हमारे बैलेंस को $100 में इंक्रीज कर देता हूँ, और फिर हम करेंसी भी चेंज करेंगे। अगर हम इस पर्टिकुलर करेंसी पर ट्रेड नहीं विन करते तो हम अपनी करेंसी को भी चेंज करेंगे। उसके पीछे भी सॉलिड रीज़न है, वो यही कि अगर ये करेंसी वर्कआउट नहीं कर रही है हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो हमें करेंसी पेयर को चेंज कर देना चाहिए। सिंपली अगर आप कोई करेंसी पेयर पे ट्रेड लेते हो ना, और आप वर्कआउट नहीं कर रही आपकी स्ट्रेटजी, सपोज़ कीजिए आप कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहे हो और वो स्ट्रेटजी सही नहीं चल रही है, उस स्ट्रेटजी से आप विन नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? तो भाई आपकी स्ट्रेटजी में गलती नहीं है भाई, उस पर्टिकुलर करेंसी में आपको न्यूज़ की प्रॉब्लम आ रही है, यानी न्यूज़ सही नहीं चल रही होगी उस पर्टिकुलर करेंसी पे, तो आपको क्या कर लेना है, करेंसी पेयर को ही स्विच कर लेना है, ठीक है? ये चीज़ आप कर सकते हो अगर आप सही, अगर आप चाहो तो ये चीज़ कर सकते हो। मतलब आप जैसे आपको करना चाहिए, क्योंकि आप ना नई नई चीज़ों को टेस्ट करते रहो। आप जब भी कोई ट्रेड लेते हो ना, तो ऐसा नहीं कि कोई आपको कोई स्ट्रेटजी बताया उसी पे ही लो, आप अपने हिसाब से उसकी टाइमिंग चेंज कर सकते हो, पैटर्न चेंज कर सकते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न चेंज कर सकते हो, आपको जैसा सुटेबल लगे आप उस तरीके से उस चीज़ को कर सकते हो। आप देख पा रहे हो यार काफ़ी उतार चढ़ाव है अभी मार्केट में, सिंपली अगर कहा जाए तो काफ़ी उतार चढ़ाव है। हमारे पास तो यार अभी 58 सेकेंड्स और हैं, ठीक है? अभी तो 58 सेकेंड्स हमारे पास और हैं, और एक कैंडल और बनेगी जिसकी टाइमिंग अभी 21 सेकेंड्स ही बची है। ये देखिए सडनली सब कुछ ख़त्म, अभी हमारी इक्वली $50 पे आ गया है, और अभी 13 सेकंड्स इस पर्टिकुलर कैंडल में बचे हैं। तो सारा जो डिपेंड करेगा ना, सब कुछ जो डिपेंड करेगा हमारी ट्रेड का, वो नेक्स्ट कैंडल पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट कैंडल अगर हल्की सी ऊपर की डायरेक्शन में बनती है तो हमारे लिए एक स्लाइटली एडवांटेज होगा, अदरवाइज डिसएडवांटेज होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पैसा है वापस रिटर्न हो गया, नहीं $50 जो हमने लगाया था फिर से हमें मिल गया। तो चलो यार फिर तो हम इस पर्टिकुलर करेंसी पे आगे चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो है हमें जितना चाहते थे उतना नहीं मिला, लेकिन ठीक ठाक चल रही है करेंसी पेयर। तो अभी फिलहाल भी मुझे यार इसकी अपवर्ड डायरेक्शन ही लग रही है कि यार ये मार्केट जो है काफी टाइम तक ऊपर ही रहने वाला है। तो ऐसा ही करेंगे हम, थोड़ा सा टाइमिंग और इंक्रीज कर देते हैं, 35 कर देते हैं, और जो ट्रेड है थोड़ा सा वेट करते हैं, और मुझे लगता है यार ऊपर की डायरेक्शन में हमें प्लेस करना चाहिए। थोड़ा सा और वेट करेंगे क्या सिनेरियो रहता है। अगर ये ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन जो दिख रही है, हल्का सा अगर इसका भी ये मूव है ना, ये ऊपर का जो कोणना है, ये अगर ऊपर की तरफ मुड़ता है तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स यार जब भी करो ना यार ट्रेड वगैरह लो, तो अंधाधुंध नहीं लेनी आपको, चाहे उसमें टाइम आपको कितना भी लग जाए, वो डजंट मैटर।
टाइम आपको कितना भी लग जाए वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप जो ट्रेड लोगे ना उसमें जीतना है आपको, वो चीज़ मैटर करेगी। तो जीतने के लिए आप चाहे ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट कर दो, दैट डजेंट मैटर। तो यहाँ पे जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में भी चाहे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाए, लेकिन हमारा जो आज का टारगेट है वो $1,000 को अचीव करना है। और यार आप देखोगे कि सब्र से किस तरीके से हम यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। सब्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बनी है एक, और फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, इतना वेट हम नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यार जाते हैं किसी और करेंसी पे, पहले इन सारी करेंसीज को डिलीट मार देते हैं और दूसरी करेंसी पे जाएंगे, CHF JPY पे जाते हैं। तो भाई ये जो करेंसी है ये भी साफ साफ, इसमें भी अभी जो फिलहाल ट्रेंड जो है डाउनवर्ड शो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। टाइमिंग कितनी है, 35 को मैं बढ़ा के 36 कर देता हूं और मैं ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड ले लेता हूं। $50 मैंने लगा दिए हैं ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड लेने में, और सडनली देखिए मार्केट ने क्या मूवमेंट लिया है, बहुत 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 सही। 1 मिनट 10 सेकंड हमारे पास बचे हैं इस ट्रेड को कंप्लीट होने के लिए। 1 मिनट 10 सेकंड बहुत ही कम टाइमिंग है, जहाँ तक कि मैंने अंदाज़ा लगाया था 2 मिनट का, बट कोई बात नहीं, अगर 2 मिनट नहीं हो पाते हैं तो अगली ट्रेड पे हम $100 इन्वेस्ट करेंगे फिर। तो यही चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको भी। ये जो ट्रेड है देख पा रहे हो यहाँ पे ना, एक चीज़ यार हमेशा से याद रखो, लॉसेज ना, लॉस अगर आपका होता है ना तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है इस चीज़ में, ये चीज़ ध्यान रखो। यहाँ पे आपका लॉस जो होगा ना वो मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा इन दी एंड आप क्या कर रहे हो। जब आप चीज़ें बंद कर रहे हो ना, ये सब कुछ ट्रेडिंग आज का दिन ख़त्म कर रहे हो, तो आप कहाँ पे हो, आप माइनस में हो प्लस में हो, वो चीज़ मैटर करेगी। इन दी एंड मैटर करेगी आप कहाँ पे हो, ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि आप एक ट्रेड हारे हो या दो ट्रेड हारे हो, दैट विल नॉट मैटर। जो मैटर करेगा वो यही चीज़ करेगी कि इन दी एंड आप क्या कर रहे हो। आपका अकाउंट में स्टार्टिंग में $850 का प्रॉफिट था, बट अगर अब देखा जाए तो अब मेरे अकाउंट में $800 का प्रॉफिट है, $800 है, तो मैं इन दी एंड लॉस में ही हूँ, तो वो चीज़ें, ये चीज़ मैटर करेगी। तो अभी हमारे पास ये जो ट्रेड है अभी लास्ट के सेकंड्स में इतना ऊपर गई थी, बट फिलहाल फिर से नीचे आ गई है, तो ये जो है लॉस कर गए हैं। हमारे पास अभी भी 55 सेकंड्स हैं, अभी भी 55 सेकंड्स हैं, तो होप ज़रूर है और देखते हैं क्या होता है। तो 35 अभी भी हमारे पास 55 सेकंड्स हैं और देखते हैं क्या होता है। और उम्मीद तो यही है कि ये कैंडल जो है ऊपर की तरफ जाएगी, जिस तरीके से ट्रेंड जो है फॉलो कर रहे हैं, हमें जो ट्रेंड्स हैं जो हमें बता रहे हैं डायरेक्शन उसके हिसाब से, तो ऊपर की डायरेक्शन में जानी चाहिए। 3 सेकंड बचे हैं, नेक्स्ट कैंडल पे पूरा डिपेंड करेगा विनिंग और लूजिंग। तो भाई ये जो ट्रेड है हम हार गए हैं, चेक कर पा रहे हैं भाई, तो ये वाली गई। अब नेक्स्ट ट्रेड लेंगे हम $100 की और देखते हैं यार क्या होता है। $100 की ट्रेड लेंगे, हमारा जो आज का टारगेट है वो कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता, वही चीज़ चेक करेंगे और उम्मीद करेंगे जो कंप्लीट है। टाइम ज़्यादा ज़रूर लगे, बट आज का जो टारगेट है $1,000 का वो ज़रूर यहाँ से कंप्लीट करके लेके जाएं। ये भी जो करेंसी है इसमें भी अच्छी खासी मूवमेंट है, तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे 37, 39 की, और डायरेक्शन जो रहेगी मेरी वो रहेगी डाउनवर्ड, और मैंने प्लेस कर दिया $100 की ट्रेड बहुत इजीली। लेकिन भाई इतना इजीली भी नहीं की है, मेरे को क्या डायरेक्शंस मिले थे, मुझे क्या सेंस हुआ कि नीचे की तरफ जाएगा, वो चीज़ भी ध्यान में रख लेते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो एरो है ना, ग्रीन कलर का जो लाइन है ये हल्का सा टेढ़ा है, यानी सीधी डायरेक्शन में है, और जब मैंने ट्रेड प्लेस की थी तब यहाँ पे की थी, यहाँ पे, तो जब ये सीधी डायरेक्शन में था तो मेरे को अंदाज़ा हुआ कि भाई अगर ये सीधी डायरेक्शन में है तो अब नीचे भी जा सकता है, तो मैंने थोड़ा सा गेस वर्क पे काम किया और थोड़ा सा इस स्ट्रेटेजी पे काम किया, तो यहाँ पे फिर मैंने जो ट्रेड है वो प्लेस कर दिया $100 की। अब मैं यहाँ पे वापस 50 कर देता हूँ, क्योंकि अगर गलती से हम ये जीत जाते हैं, अगर हम जीत जाते हैं तो भाई गलती से ही हम जो नेक्स्ट ट्रेड लेंगे वो गलती से $100 की प्लेस हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना होता है, वो चीज़ आपको भी पता है, एक मनी मैनेजमेंट प्लान और एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार आज की जो वीडियो है ना उसमें आपको यही चीज़ पता लगने वाली है कि भाई यार जब आप ट्रेड लेते हो तो यार हारना मैटर नहीं करता आप लोगों के लिए, आप हारोगे ना वो चीज़ मैटर नहीं करेगी, इन दी एंड आप क्या लेके जा रहे हो यहाँ से वो चीज़ मैटर करेगी। हमेशा से आपको यही कहता आ रहा हूँ कि जब भी आप ट्रेड लेते हो ना तो इन दी एंड आप क्या लेके जा रहे हो वो हमेशा मैटर करता है। अब बहुत सारे ऐसे चीज़ें जहाँ पे मैंने देखा है, आप ट्रेड अगर कॉल्स हैं, आपको कुछ कॉल्स मिलती हैं, अगर आप वहाँ पे 2-3 कॉल्स हार जाते हो तो
तो आप लोग सोचते हो कि नहीं भाई यहाँ पे मैं 2-3 कॉल हार गया हूँ तो यार ये बहुत बेकार है सर्विसेज या कुछ भी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप 2-3 कॉल लॉस में भी जा रहे हो ना, तो वो आपका मनी मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली आप अगली ट्रेड पे उसे वर्कआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे यार एक चीज़ बता देता हूँ क्लियरली, अगर आप यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से पैसा कमाना चाहते हो ना, तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा रखो। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ आओगे ना, तो यार आपसे यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाने वाले, डेफिनेटली यार आप यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाने वाले। तो आपका जो प्रॉफिट है आपका वो तभी मिलेगा जब आप अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ से यहाँ पे आओगे, क्योंकि आप अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के साथ आओगे तो आप यार आप अपने प्लान के अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हो, रिस्क के अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हो। बट अगर आप इस तरीके से आओगे, आप सोच के आओगे कि यहाँ से मुझे जो प्रॉफिट है वो मिल जाएगा, मैं $10 इन्वेस्ट करूंगा तो भी मैं यहाँ से $100 लेके चला जाऊंगा, तो वो हो सकता है बट बहुत ही रेयर चांसेस में, बहुत ही कम चांसेस में होगा। वो तब हो सकता है जब आपकी सारी स्ट्रेटेजी अच्छे से वर्क करे या आपका दिन अच्छा हो। जैसा कि अभी देख पा रहे हैं लास्ट एक सेकंड की वजह से हम ये ट्रेड लॉस कर गए हैं, लास्ट एक सेकंड की वजह से। तो नेक्स्ट ट्रेड जो हम लेंगे वो लेंगे $200 की या $300 की, नेक्स्ट ट्रेड हम $300 की लेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली लेंगे ताकि जो है विन कर जाए। $300 डजेंट मैटर, हम 2 ट्रेड हार गए हैं तो उसका कोई इश्यू नहीं है बड़ा, लेकिन आपने देखा लास्ट एक सेकंड की वजह से हम हारे हैं और इस मूवमेंट की वजह से हारे हैं हम। जो ये मूवमेंट सडनली यहाँ पे गया है मार्केट में, तो इसकी वजह से हम ये जो ट्रेड है ये लॉस कर गए हैं। बट अगर लास्ट सेकंड की वजह से अगर हम हारते हैं ना, तो यार ये ज़्यादा मैटर नहीं करती चीज़ें, वो मैटर इसका मतलब है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो करेक्ट है, लेकिन चीज़ें हमारे हक में नहीं गई। डेफिनेटली यहाँ पे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ लेना चाहूँगा ट्रेड, लेकिन थोड़ा सा और वेट करते हैं कि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दी है फ्रेंड्स ट्रेड, और ट्रेड जो है $300 की है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने जब अकाउंट मेरा स्टार्ट किया था, जब मैंने ट्रेड लेना स्टार्ट किया था तो मेरा बैलेंस था $800 और अब मेरा बैलेंस है जस्ट $400। जो ट्रेड है उसकी टाइमिंग है जस्ट 1 मिनट, जो कि 1 मिनट के लिए ही सेट हो गई थी। यही चीज़ बायनोमो के साथ हमेशा से रहती है, जब 1 मिनट की ट्रेड प्लेस करते, जब लास्ट ट्रेड आप लेते हो तो नेक्स्ट ट्रेड के लिए वो ऑटोमेटिकली 1 मिनट की टाइमिंग ले लेता है। बट यहाँ पे मुझे 2 मिनट की टाइमिंग लेनी थी, अगर 2 मिनट की लेता तो ये जो प्रॉफिटेबल ज़्यादा चांसेस थे ये जो ट्रेड है प्रॉफिट में जाने के, बट फिलहाल भी हमारे हक में ही है। तो यार दिन भी सही चल रहा है आज का, 30 सेकंड्स है हमारे पास और 30 सेकंड्स में ये विन करनी है। कैंडल बहुत ही ज़्यादा नीचे चली गई है और उम्मीद करते हैं अब 23 सेकंड्स तक ये इतनी ऊपर ना आए, ठीक है। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है कि अगले 1-2 मिनट तक ये अभी ये नीचे ही जाने वाली है, जो कि मेरा प्रिडिक्शन था 2 मिनट के लिए, तो वो भी सही ही रहने वाला था। बट देखते हैं कि किस तरीके से जो ट्रेड है हमने ली है और क्या होने वाला है। आप यार इन्जॉय कीजिएगा ना ट्रेड को, जो रिस्क तो जो होगी वो देखी जाएगी, बट ट्रेड को इन्जॉय भी करना है आप लोगों को साथ में। तो यहाँ पे जो है ट्रेड है हम जीत गए हैं, हमारा जो बैलेंस है $935 हो गया है। अब हम जो ट्रेड लेंगे वो फिर से $50 की लेंगे, यानी हमारा जो इनिशियल अमाउंट था $50 उसी की ट्रेड लेंगे, और जो ट्रेड है वो मैं डायरेक्शन में अपवर्ड में करूँगा 1 मिनट की टाइमिंग के लिए, जस्ट 1 मिनट के लिए मैं प्लेस करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगले 1 मिनट के लिए मार्केट जो है ऊपर की डायरेक्शन में रहने वाला है। ये जो है ग्राफ रीडिंग के हिसाब से मैं कह सकता हूं, अगर मैंने प्लेस की होती तो अभी तक ये मार्केट ऊपर ही है, और मैंने ये ट्रेड लगा दी है 1 मिनट के लिए ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैंने लगा दी है और पैसा जो मैंने लगाया है $50। यहाँ पे अब आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि कैसे मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मैं 1 मिनट की ट्रेड लूँ, 2 मिनट की ट्रेड लूँ या 5 मिनट की ट्रेड लूँ। भाई तो वो चीज़ें आपकी डिपेंड करेगी पर्टिकुलर टाइमिंग पे, जिस टाइमिंग पे आप ट्रेड ले रहे हो ना उस टाइम पे डिपेंड करेगी कि क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। उस टाइमिंग पे पर्टिकुलरली डिपेंड करेगी आपके, यहाँ पे ये कोई प्री प्लान्ड नहीं है। यहाँ पे मैं पहले से सोच के नहीं बैठा था कि मेरे को यहाँ पे 1 मिनट की ट्रेड लेनी है, 2 मिनट की ट्रेड लेनी है। जो ट्रेड मैंने सोची थी लेने की वो मैं यही सोचता हूँ, जब मैं ग्राफ को देखता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्राइक करती हैं चीज़ें मेरे दिमाग में उसी हिसाब से मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे जो मुझे मेरा सेंस कह रहा है ऊपर ही जानी चाहिए, अगर 1 मिनट में नहीं गई तो 2 मिनट के लिए तो ये ऊपर ही रहेगी, आने वाले टाइम में ऊपर ही रहेगी। तो अभी फिलहाल हमारा जो बैलेंस था वो $950 था व्हेन आई स्टार्टेड, तो हमारा $800 था। तो अभी तो हम प्रॉफिट में ही है और उम्मीद करेंगे कि ये अगर ट्रेड जो प्लस में चले जाते हैं तो भी हम प्रॉफिट में ही जाएंगे, उम्मीद करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सारा डिपेंड करेगा हल्के से मूवमेंट पे, अगर ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है ग्राफ बहुत कुछ पॉसिबल है यहाँ पे, और अदरवाइज कुछ भी नहीं। एक्सपेक्टेड इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पे है $50, यानी अभी तक तो हम प्रॉफिट में हैं। अगर ये 7 सेकंड्स, ये लास्ट के सेकंड्स हमेशा से ही प्रॉब्लम करते हैं, लास्ट के 3 सेकंड्स, 2 सेकंड्स, 1 सेकंड्स एंड गॉन।
तो अब हम लेंगे अगली ट्रेड $100 की। आपको यार फ्रेंड्स थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी वीडियो, लेकिन यार लास्ट तक देखना तो आपको समझ आएगा कि बैलेंस कैसे इंक्रीज करते हैं। अब आपको देखना, आपको मैंने आपको जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था, हमें जो बैलेंस है उसको इंक्रीज करना है $1,000 तक। बैलेंस था मेरा $850 something, तो हमें जो उसको इंक्रीज करना है $150 हमें इंक्रीज करना है, तो हम कैसे करेंगे, वही चीज़ यहाँ पे आएगी। तो अब जो है हम टाइमिंग इंक्रीज कर देंगे, टाइमिंग बढ़ा देंगे थोड़ी सी, 36 तक कर देते हैं, 3 मिनट के ऑलमोस्ट 3 मिनट। जो ग्राफ है वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है इस पर्टिकुलर करेंसी में, तो मैं करेंसी करता हूँ चेंज। और अब इससे की बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन ही लग रहा है मुझे अगले 3 मिनट के लिए, तो मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दे रहा हूँ ट्रेड $100 की। अब यहाँ पे जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो प्लेस की मैंने ट्रेड, उसके पीछे भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, जैसे कि आपको पता ही है। ये देखिए यहाँ पे मुझे हल्का सा नीचे की तरफ कोन बनाता हुआ दिखाई दिया, ये भी नीचे की तरफ कोन बनाता हुआ दिखाई दिया है, और ये जो है ये भी नीचे की तरफ कोन बनाता हुआ दिखाई दिया है। तो इसलिए मैंने ये जो ट्रेड है नीचे की तरफ प्लेस की है $100 की। प्लस अगर दूसरी चीज़ मैं देख दूसरा अगर मैं पॉइंट को कंसिडर करूँ वो ये कि जो ग्राफ है ये पर्टिकुलरली ग्राफ जो चल रहा है इस करेंसी का वो डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो, तो हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने फिर ट्रेड प्लेस कर दी है। ये चीज़ें भी आपको कई बार ध्यान में रखनी होती है जब आप ट्रेड लेते हो, तो कई बार आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है कि ग्राफ जो है पिछले काफ़ी टाइम से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उससे आपको ना आने वाले कई मिनट के लिए आपको अंदाज़ा लग जाता है। हालांकि 1 या 2 मिनट के लिए प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप बात करते 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो मार्केट को कि किस डायरेक्शन में वो रहने वाला है। तो ये जो ट्रेड है अभी देख पा रहे होंगे, अभी हम देखिए कितने सारे मूवमेंट चल रहे हैं, बट अभी फिलहाल हम प्रॉफिट में ही हैं। वही चीज़ आपको बताना चाह रहा था मैं कि अगर आप 1 मिनट के लिए ये चीज़ करते हो, प्रिडिक्ट करते हो, तो वो आपके लिए स्लाइटली डिफिकल्ट हो जाता है 1 मिनट के लिए प्रिडिक्ट करना कि यार मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा अगर ट्रेंड फॉलो करते हो आप। लेकिन आने वाले 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट, और अगर 5 मिनट से ज़्यादा की बात करें, अगर हम सेफ प्ले की बात करें यानी 10 मिनट 15 मिनट 1 आवर 1 डे, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आप लोगों के लिए वो चीज़ प्रिडिक्ट करना। अब देख पा रहे हो फिर से हमारी ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये फिर से ऊपर चली गई है, अभी तक फिलहाल हमारे हक में ही है, बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ 2 सेकंड के बाद ये कैंडल नई मूवमेंट लेगी, और क्या मूवमेंट लेती है वो चेक करते हैं किस तरफ जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी ये जो है हमारे पास सिर्फ 24 सेकंड्स और बचे हैं, और 24 सेकंड्स तक अगर ग्राफ जो है डायरेक्शन सेम रखता है तो भाई फिर तो हमें प्रॉफिट होगा $100 का, यानी $100 की ट्रेड पे हमें जो प्रॉफिट होगा वो होगा $77 का। और चेक करते हैं यार इस सेशन के बाद हमारा जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, और हम उम्मीद करेंगे कि प्रॉफिट में ही होंगे। हालांकि हमारे साथ आज की दिन की काफ़ी ट्रेड हम हारे भी, आज में ट्रेड हारे भी हैं हम और ड्रॉ भी गई हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल हमारे पास $962 हो गए हैं। अब हमारे पास अगर एक $90 का प्रॉफिट मिल जाता है एक ट्रेड पे अगर हमारे पास $90 का प्रॉफिट मिल गया और वो हम जीत गए, तो $50 की अगर मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा काम बन जाएगा। लेकिन 50 की नहीं, हम $90 के प्रॉफिट पे नहीं जाएंगे, तो मैं जो ट्रेड प्लेस करूँगा वो करूँगा $60 का मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। टाइमिंग हमारी रहेगी 2 या 3 मिनट, 3 मिनट की टाइमिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर मैं इसी करेंसी पर ट्रेड लूँ तो डायरेक्शन तो मेरी सेम रहने वाली है, लेकिन मैं अब नहीं लूँगा क्योंकि अब कुछ नहीं कहा जा सकता इस पर्टिकुलर करेंसी पे। अब बात करते हैं इस करेंसी की, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है, लेकिन ट्रेड लेने लायक अच्छी करेंसी है, मार्केटिंग इम्पैक्ट का फ़ायदा हमें मिल सकता है। तो अभी फिलहाल हमें सिर्फ एक प्रॉफिट और मिल जाए तो हमारे पास जो है आज का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा रियल अकाउंट का बैलेंस $1,000 करने का। तो टारगेट जो हमारा कंप्लीट हमें करना है उसके लिए जो एक ट्रेड हमें लास्ट ट्रेड लेनी है, तो यार अच्छे खासी ही ट्रेड लेंगे हम, मतलब तुक्का हम नहीं लगाएंगे लास्ट ट्रेड पर, जैसे कि आपको पता ही है अच्छी खासी ट्रेड ऐसी ट्रेड लेंगे जिसमें प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस हो और हम विन कर ही जाएं। अब ये देखिए ये करेंसी बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे, मतलब एक ट्रेड लेने के लिए बहुत ही सुटेबल करेंसी लग रही है, लग रहा है कि भाई इसमें हम जीत सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये करेंसी पे अगर हम ट्रेड लें तो हमारा प्रॉफिट फॉर श्योर है। टाइमिंग यार 3 मिनट ही रखेंगे, लेकिन अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो फ्रेंड्स यार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि यार अब क्या लगता है इसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है, कि आपको क्या लगता है कि जो मार्केट है वो इस पर्टिकुलर करेंसी को ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके जाएगा, लगता क्या है आपको, और फिर
जो मैं अपनी डायरेक्शन अपना सेंस बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ रहने वाला है, जैसा कि मुझे इंडिकेशन भी मिल रहा है पर्टिकुलर इंडिकेटर से भी कि मार्केट जो है काफ़ी टाइम के लिए ऊपर ही रहेगा, तो ये चीज़ का फ़ायदा भी ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्लेस करता हूँ $60 की ट्रेड तो थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि मेरा मनी मैनेजमेंट पूरा बिगड़ जाएगा $60 की ट्रेड पे, क्योंकि अगर मैं 60 की लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट ट्रेड जो है वो 100 से ज़्यादा की लेनी पड़ेगी अगर मैं ये लॉस कर जाता हूँ तो। लेकिन अगर हम यहाँ पे जीत जाते हैं, अगर मैं दूसरे फेज की बात करूँ कॉइन के, अगर हम जीत जाते हैं तो हमारा जो बैलेंस है वो $150 से इंक्रीज होकर $1,000 पहुंच जाएगा और आज का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इस वीडियो बनाने का भी और मेरे लाइव अकाउंट का भी। तो वही चीज़ देखेंगे यहाँ पे अब मैं जो ट्रेड लूँगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लूँगा, हल्का सा कैंडल के नीचे आने का और वेट करूँगा अगर आती है तो। हाँ, अब मैंने जो ट्रेड है प्लेस कर दी है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो अमाउंट है वो है $60 और टाइमिंग है वो है 1 मिनट, जो कि मैं ज़्यादा करना चाहता था बट वही बायनमो प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम, जब आप ध्यान नहीं देते हो टाइमिंग पे। आप मैं जो ध्यान देता हूँ वो देता हूँ ट्रेंड्स पे, तो ट्रेंड्स पे ध्यान देने के चक्कर में आपका जो टाइमिंग है कई बार मिस हो जाता है, तो वो चीज़ तो हमेशा से होती है। बट ये जो कैंडल है रेड कलर की बनी है ये थोड़ी इम्पैक्टफुल हो सकती है हमारे इस ग्राफ के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, अभी फिलहाल प्रॉफिटेबल, अभी हम प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। हमारे पास 30 सेकंड्स और लेफ्ट हैं, 30 सेकंड्स अगर हम विन कर जाते हैं 30 सेकंड्स के लिए तो हमारी जो प्रिडिक्शन है वो आज की कंप्लीट हो जाएगी, हमारा जो रियल अकाउंट का बैलेंस है आज के लिए वो भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम रेस्ट करेंगे, इस वीडियो को रेस्ट देंगे और इस पर्टिकुलर मैं आज के दिन को भी रेस्ट दूंगा, आज के दिन और ट्रेडिंग नहीं करूंगा इस अकाउंट में। और आप लोगों का भी टारगेट यही होना चाहिए, अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट को अचीव कर लेते हो तो वहाँ पे आपको एक स्टॉप ले लेना चाहिए। आप ज़्यादा के चक्कर में जाते हो, वहीं पे लॉस कर जाते हो और वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं आज के दिन हम ट्रेड हारे भी, जीते भी, ड्रॉ भी हुए, तीनों कंडीशन हुई, बट इन दी एंड हमारा जो प्रॉफिट है, रियल अकाउंट का मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, इन दी एंड हमारा जो प्रॉफिट है वो $1,000 हो गया $850 से, यानी $150 यानी ऑलमोस्ट अगर बात करते हैं 10-12 हज़ार रुपये हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है सिर्फ कुछ ही मिनटों में, 20-25 मिनट में इतना ज़्यादा प्रॉफिट। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई इतना मुश्किल भी नहीं है, आपने पूरी वीडियो अगर अभी तक देखी होगी ना तो इतना मुश्किल भी आपको नहीं लगा होगा, समझ भी गए होंगे कि किस तरीके से पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, किस तरीके से मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट आप प्लान को अकॉर्डिंगली आपने सेट कर सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और ये सारी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो यार गाइज एक और बात बताना चाहूँगा, अभी तक यार वीडियो को देख रहे हो ना तो वेलकम है हमारी फैमिली में, इन्विटेशन है आप लोगों को, ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, अभी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर वहाँ से अगर आप प्रॉब्लम होती है आपको ज्वाइन करने में तो टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हो टेक्निकल स्पेस अभी स्पेस फैमिली और वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज यार बिल्कुल न्यू होना चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आने वाले टाइम में ना आपको बहुत अच्छी अच्छी एक्साइटिंग वीडियोस मिलने वाली है। चलिए गाइज यार मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक्साइटिंग कंटेंट के साथ।